अब फुल माउथ रिहैब में मल्टी यूनिट प्लेसमेंट कैसे लगा रहे हैं, किस एंगुलेशन पे लगा रहे हैं और टिश्यू उसके आसपास कितना लेवल पे है, इंपॉर्टेंट है। किसी ने मुझसे मल्टी यूनिट प्लेसमेंट के बारे में पूछा था, तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, जब आप वेरिफिकेशन जिग लेते हैं तो मल्टी यूनिट का एंगुलेशन उसी समय स्पॉट ऑन होना चाहिए ड्यूरिंग द इम्प्लांट सर्जरी। तो अब दिखाना चाहूँगा, हम एक और फुल माउथ इम्प्लांट का केस कर रहे हैं, अब यू कैन हैव अ लुक एट इट। नाउ इसमें आप इम्प्लांट्स का एंगुलेशन उसके साथ साथ देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टी यूनिट, ये जाइगोमैटिक इम्प्लांट्स हैं, दिस इज अनदर प्लेसमेंट। तो मल्टी यूनिट एंगुलेशन वेरीफिकेशन ज़रूरी है जब आप जिग बनाने से पहले। नाउ वेरीफिकेशन जिग करने से पहले मल्टी यूनिट एंगुलेशन प्लेसमेंट देखना ज़रूरी है, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब देख सकते हैं प्लेसमेंट, आप पूरा का पूरा जो टिश्यू है वो कवर होना चाहिए, अदरवाइज जो प्रोसेसेस रिहैब करेंगे तो यहाँ पे आपका मेटल फ्रेमवर्क दिखेगा। तो इसीलिए कौन से एमएम की मल्टी यूनिट लगा रहे हैं आपको पता होना चाहिए, जाइगोमैटिक इम्प्लांट्स हैं, नेसेलिस इम्प्लांट्स हैं, और कितने हाइट है, जिंजाइवल हाइट और अबटमेंट हाइट, तो उसको जानना ज़रूरी है इन सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द अबटमेंट, मल्टी यूनिट अबटमेंट, तो वो ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैरलिज्म, पैरेलल प्लेसमेंट और कितने लेवल पे लग रहा है मल्टी यूनिट, तो उसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मल्टी यूनिट फॉर फुल माउथ इम्प्लांट केसेस एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको ध्यान से चूज़ करना है एंड देन यू गो अहेड विद योर फ्रेमवर्क, विद योर वेरीफिकेशन रिग फॉर द रिहैब ऑफ फुल माउथ इम्प्लांट केसेस। थैंक यू।